हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी आर्मी के ऊपर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रैंक पुश के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसको फॉलो करके आप भी आराम से हीरो जा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में गिव अवे चल रहा है। अगर आप इस गिव अवे को जीतते हो तो आपको आपके साथ खेल के हीरो पहुंचा दिया जाएगा। तो इस वीडियो के गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें और पिछले वीडियो का विनर इस वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंट्रो के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि आप भी आसानी से हीरो कैसे जा सकते हो, आप भी कैसे ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, इसके लिए आपको क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर आप ऑब्जर्वेटरी जाते हो तो आपको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बुया निकालने के लिए। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप सेंटोसा जाते हो तो आपको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बुया निकालने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप शिपयार्ड जाते हो तो आपको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बुया निकालने के लिए। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें भी मैंने अच्छी टिप्स बता रखी है। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको एक गेम प्ले के द्वारा समझाने वाला हूं कि आप भी कैसे आराम से बुया निकाल सकते हैं और अपना रैंक पुश कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा प्लेन शिपयार्ड से बहुत दूर है और हमें शिपयार्ड जाना है, इसलिए हमने पहले ही लैंडिंग कर ली। इधर एक भी स्क्वाड नहीं आ रही है तो हम आराम से शिपयार्ड जा सकते हैं। इस गेम में बहुत ही अच्छे अच्छे बंदे आ रखे हैं। इसमें मैंने देखा लॉबी में सीजन 1 के बंदे भी आ रखे हैं और किन्नर बंदे भी आए हैं, तो इसमें हमें स्ट्रेटजी वाला गेम प्ले करना होगा। तो हम इस घर को लूट रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा दोस्त जो है वो अपोजिट वाले घर में लूटे। वहाँ पर एक लॉन्चर भी है तो वहाँ लॉन्चर से दो बंदे जा सकते हैं। अगर आप सोलो या डुओ खेल रहे हो तो आपको सबसे पहले लॉन्चर पे उतरना है, फिर शिपयार्ड आना है। शिपयार्ड आने के बाद आपको आराम से लूट करना है जैसा कि हम लूट रहे हैं। अगर आप डुओ या स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको लूट करते समय अपने स्क्वाड की मदद जरूर लेनी है या डुओ के पार्टनर की मदद जरूर लेनी है। उनसे पूछना है कि उनको क्या क्या मिल रहा है। अगर उन्हें कुछ ज़्यादा मिल रहा है जैसे मेडकिट वेस्ट, अगर वो नहीं उठा सकते तो वो तुम्हें बता दे, मार्क कर दे। अगर आप मार्क करना नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी सामान को मार्क करना है आपको उस पर एम ले जाना है और मैंने जहाँ पे क्लिक करने का बटन दबा रखा है उस पर आपको क्लिक करना है, वो सामान खुद ब खुद मार्क हो जाएगा जैसा कि आपने वीडियो में देखा। हमारा दूसरा ट्रिक ये होने वाला है कि अगर आपके पास ग्लूवेल बनाने वाला पेट है तो आपको ग्लूवेल बनाना है। अगर आपके दोस्त के पास है तो उसे ग्लूवेल मांगना है, क्योंकि अगर आपके पास ग्लूवेल हो तो आप किसी पे भी रस मार सकते हो और आराम से जीत सकते हो। अगर आपके पास ग्लूवेल नहीं होगा तो आप कभी भी नहीं जीत सकते दूसरे बंदे से। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने पहले भी ग्लूवेल मार किया था और अभी भी मेरे को 2-3 ग्लूवेल मिल रही है, तो मैं उसे भी मार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त के पास फालको पेट था और मेरे पास ग्लूवेल बनाने वाला पेट था, इसलिए ग्लूवेल बनाना कभी मत भूलो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला जन्म बन चुका है, फिर भी अभी 35 बंदे बचे हुए हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से गेम खेलना होगा पुईया लेने के लिए। यहाँ पे हमारा लूट कंप्लीट हो चुका है तो हम अब वहाँ से निकल चुके हैं और हम प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बुलसा के बंदे टच ना करें। अगर बुलसा में बंदे होंगे तो हमें फाइट नहीं लेना है, हमें सीधा आगे बढ़ना है प्लांटेशन की तरफ। अगर आप कभी भी खुले में जाते हो तो आपको चारों तरफ ध्यान देना है कि आपको कहीं से बंदे मार ना दे। अगर आप कभी भी मशरूम खा रहे हो तो आपको हमेशा अपने पेन को पीछे रखना है जिससे कि आपको पीछे वाला डैमेज ना दे सके। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक गिव अवे के ऊपर। हमारे पिछले वीडियो के गिव अवे के विनर हैं गेमिंग गुरु, जिन्होंने हैशटैग हैकर बैन सही से लिखा। इन्होंने भी एक गलती कर दी, इनको भी अपनी आईडी कमेंट करनी थी बट कोई नहीं, इनको विनर बना दिया जाता है और इनको बोल दिया जाता है कि ये अपनी यूआईडी अपने रिप्लाई में जरूर लिख दें जिससे कि मैं आपको हीरोइक पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट भेज दूं। और अगर आप भी हीरोइक जाना चाहते हो तो इस वीडियो के गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें। इस वीडियो के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉमेंट में अपनी यूआईडी के साथ
#boya लिखना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि अगर आप विनर हो सके तो आपको पता लग सके और आप हीरो जा सके। तो लौटते हमारे टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सामने में देख सकते हैं, मेरे सामने एक बंदा है। मैंने अपने टीममेट से पूछा कि उसे मारूं या ना मारूं, तो उन्होंने बोला नहीं अभी फाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम रैंक पुश कर रहे हैं। अभी तक हमारे गेम में बहुत ज़्यादा बंदे बच रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 32 बंदे बच रखे हैं। तो इस गेम में बहुत ही ऊपर लेवल वाला सर्वाइव होने वाला है, तो इसलिए हम नीचे से मिल की तरफ से ऊपर पिक की तरफ जाते हैं। और अगर आप भी किसी बंदे को देखते हो तो उसे तुरंत मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्क्वाड से पूछना है कि अगर फाइट लेनी है तो। अगर सारे बंदे बोलते हैं अगर फाइट लेनी है तो लेंगे, अगर नहीं बोलते हैं तो नहीं लेंगे। आप जब भी रैंक मैच खेल रहे हो तो आपको हमेशा फाइट को इग्नोर करके ही चलना है, जिससे कि आप आसानी से बुइया निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप फाइट लेते हो तो उसमें से आपका एक स्क्वाड का बंदा मर भी सकता है, और उससे आपको लास्ट के जोन में बहुत ही घटा होने वाला है, क्योंकि लास्ट के जोन में बहुत सारे बंदे बच जाते हैं अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो। इसलिए आपको हमेशा फाइट को इग्नोर करके ही चलना है, जिससे कि आपके स्क्वाड में चारों बंदे जिंदा रह सके। हमारा तीसरा टिप यह होने वाला है कि आपको हमेशा जोन प्रिडिक्शन लगाना है कि अगला जोन किधर बन सकता है। जैसा कि आप इस गेम में देख सकते हो, हम लोगों ने कितना दूर से इधर आए और हमारा जोन इधर ही बना, तो हमारा प्रिडिक्शन बहुत ही सही था। इसलिए आपको भी अपना प्रिडिक्ट करना है कि जोन किधर बन सकता है। हमारा चौथा ट्रिक भी जोन के ऊपर ही है कि आपको हमेशा जोन के साथ ही चलना है। अगर आप जोन के साथ चलते हो तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जोन के साथ चलते हो तो आपको एक ही साइड से फाइट लेना होगा। जैसा कि आप इस गेम में देख सकते हो, मैंने पूरे गेम जोन के साथ चला तो मैं आसानी से टॉप 15 में आ गया। तो अब हमारे सामने की साइड एक बंदा है, तो अब हम फाइट लेने से पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ पे अब हम फाइट लेंगे, जिससे कि हमारा बैटल स्कोर का प्लस मिल सके। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आप भी हीरोइक जाना चाहते हैं तो हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करें। हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ #boya के साथ अपनी UID कॉमेंट में लिखनी है। अगर आप विनर होते हैं तो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, तो अगले वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक होगी दबा के।